asalaamu alaikum student and welcome in english class for level 2 and it's 7th lecture and today we will discuss the unit number 5 that is the mullah's son firstly i will clear the proper meaning of this topic here we can see the use of apostrophe okay apostrophe is a punctuation mark that show the possessive case of any noun क्या है पास्ट ट्रॉफी कहाँ पर यूज़ हुआ है आपके टॉपिक में मैं स्टूडेंट फर्स्टली आपको ये क्लियर कर दूँ आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द मुल्ला सन ओके मुल्ला के साथ कोमा यूज हुआ है देन एस लगा दिया गया है जब हम किसी नॉन के साथ कोमा यूज़ करते हैं देन एस लगा देते हैं दैट इज़ अ पाउस ट्रॉफी अप्रॉफी होता क्या है ये एक पंक्चुएशन मार्क है क्लियर है जो नाउन को जो किसी भी नाउन के साथ लगता है उसके प्रोसेसिव केस को शो करने के लिए ओके स्टूडेंट And to, and today we will discuss the words meaning sentences of this unit. Sentence making करने के दो better way होते हैं student. jaisa कि मैंने पहले unit number 4 में भी बताया है Firstly ये कि आपने जो वर्ड लिया है जिसको हमने बाय मीनिंग और बाय सेंटेंस आपने पढ़ना है आप उसका जो सेंटेंस है फर्स्टली उसको उर्दू में बनाएं इन योर language, ओके okay? आपकी जो लैंग्वेज है पहले उसमें आप सेंटेंस बनाएं देन आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें विद द हेल्प ऑफ योर टीचर विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स क्लियर है एंड सेकेंड वे ये है कि जो वही वर्ड जो आपने एज आ वर्ड मीनिंग सेंटेंस करने हैं आप उसको अपनी रीडिंग के पोर्शन में फाइंड आउट करो देन वो वर्ड जिस सेंटेंस में यूज हुए हैं वही सेंटेंस एज इट इज़ आप उसके सेन्टेंसिस में लिख सकते हैं अगर वो कम्प्लीट सेंस दे रहे होंगे तो ओके लेट स्टार स्टूडेंट फर्स्ट वर्ड इज बेहेवेव एक्ट ऑफ समन क्या मीनिंग है इसका एक्ट ऑफ समू एक्ट इज़ एन एक्सेप्टेबल वे बींग पलाइट एंड गुड टेम्पर्ड ओके सो इट सेंटेंस इज अलीज बिहेव इज वेरी पलाइट स्टूडेंट इट्स नॉट कम्पल्सरी कि आप लोग यही सेंटेंस करो इसके अलावा भी आप कर सकते हैं सनास बिहेव इज नॉट गुड विद हर पेरेंट्स देर आर मैनी सेंटेंसेस ऑफ दिस वर्ड एंड नेक्स्ट वर्ड इज कॉट कॉट पहले स्टूडेंट आपको उस वर्ड को बाय मीनिंग अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए क्लियर है कॉट बेसिकली क्या होता है दैट इज वेरी कॉमन वर्ड ऑफिशियल प्लेस ओके अ प्लेस व किंग ओके अकॉर्डिंग टू योर स्टोरी मैं मीनिंग बता रही हूँ ठीक है बेसिकली uh, इसको हम कह सकते हैं ऑफिशियल प्लेस है ऑफिशियल प्लेस है, है जहाँ पर लोग अपने मैटर्स को लेके जाते हैं लीगली मैटर को ठीक है एंड इसका सेंटेंस क्या होगा सना इज जज इन द कोर्ट सना क्या है सना इज़ अ जज सना एक जज है इन द कोर्ट कोर्ट में नेक्स्ट वर्ड इज डिसाइडेड क्लियर ओपिनियन क्या इसका मीनिंग है क्लियर ओपिनियन मेड अप वंस माइंड ओके क्लियर ओपिनियन अपनी दे देना टोटली totally डिसाइड कर लेना uh, इसका सेंटेंस क्या होगा वी डिसाइडेड टू गो टू मरी हमने क्या डिसाइड किया कि हम कहाँ जाएंगे मरी जाएंगे वी डिसाइडेड टू गो टू मरी नेक्स्ट वर्ड इज डायरेक्शंस डायरेक्शंस ओके लाइन पॉइंट्स इन डिफरेंट प्लेसेस ओके फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखें uh, किसी भी प्लेस की किसी भी लाइन की डायरेक्शन होती हैं ठीक है थीके? ये वर्ड कॉमनली यूज़ करते हैं जैसे कि हम हमारी बेसिक चार डायरेक्शन है ओके हम उन उनकी भी बात कर लें तो आप इसको बाय सेंटेंस ले सकते हैं इसका सेंटेंस देखें यहाँ पे भी स्टूडेंट यही है देर आर फोर मेन डायरेक्शंस देयर आर आर फोर मेन डायरेक्शन स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है इसके वर्ड्स मीनिंग एंड दीज आर आल्सो मैंशन ऑन दी अपर साइड ऑफ योर बुक आपने इसको क्लियरली समझ के पढ़ना है एंड नाउ आई मैंशन योर डायरी वर्ड्स मीनिंग सेंटेंसेस लर्न एंड ट्राइड दैम ऑन योर नोट बुक थैंक यू स्टूडेंट